10% लोग, तुमको 5,000 रुपया कुछ दे देगा प्रधानमंत्री से बात करो, 1,00,000 लीडर्स लेके हम लोग आएंगे, उनके बीच बड़े मंत्री को कहा गया। नंबर एक। नंबर दो, प्रोटेक्शन इनका जो आयुष्मान भारत वाला है, आपने मुझे बताया कि वो पॉजिटिवली वहाँ फाइल हो गई है, आयुष्मान भारत चल रहा था, वो इन लोगों ने कहा। तीसरा इनका 12-24 कमेटी कमेटी और चौथा इनका रूल। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप देख रहे हैं GDS खबर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रामीण डाक सेवकों के लिए मुद्दों को लेकर, जो एक बड़ी खबर निकल के आ रही है उसके बारे में। दोस्तों, अभी आपको स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, इसमें यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल जो डाक विभाग के सचिव और DG से मिला है। दोस्तों, क्या बातें हुई है उससे जुड़ी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे GDS खबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही लगे घंटे के बटन को दबाएं, ताकि हम जब भी हमारे चैनल पर नया वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, पूरी खबर हम आपको बता देते हैं। तो यहां मैं बता दूं, भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ की 2 दिवसीय मीटिंग 10 और 11 जून को दिल्ली में संपन्न हुई। इसी मीटिंग के बाद यहां यूनियन की तरफ से डिसाइड किया गया था कि जो अपनी जो मांगे हैं ग्रामीण डाक सेवक की, जो मांगे हैं उनको जो सचिव और DG से मिलकर उनको ज्ञापन देंगे। तो दोस्तों, इसी को लेकर दोस्तों ये मुलाकात की गई थी। दोस्तों, ये मुलाकात जो संतोष सिंह जी हैं उनके नेतृत्व में ये मुलाकात की गई थी। दोस्तों, इस मीटिंग के दौरान जो ग्रामीण डाक सेवक के अहम मुद्दे वो उठाए गए थे। दोस्तों, कौन कौन से मुद्दे उठाए गए थे उससे जुड़ी पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ जो यूनियन की तरफ से स्वागत किया गया, और यूनियन का भी यहाँ सचिव और DG की तरफ से स्वागत किया गया था। दोस्तों, इस मीटिंग की मुख्य बातें हम आपको बता दें। इसमें सबसे पहले जो बात पेंशन की गई थी दोस्तों, पेंशन की ग्रामीण डाक सेवकों को 5,000 रुपये तक पेंशन दी जाए, तो ये बात यहाँ की गई थी। उन्होंने बताया कि जो संतोष सिंह जी ने बताया कि 5,000 एक छोटी रकम है, इसके अलावा 5,000 प्लस DA ग्रामीण डाक सेवकों को पेंशन के रूप में दिए जाए। इसके अलावा दोस्तों, जो आप देख सकते हैं ग्रामीण डाक सेवकों की जो हेल्थ इंश्योरेंस है, जो आयुष्मान भारत है, उनके तहत कि ग्रामीण डाक सेवकों को भी आयुष्मान भारत का लाभ मिले, जो चिकित्सा लाभ है वो मिले, वो यह मुद्दा भी इस मीटिंग में उठाया गया था, इस मुलाकात में उठाया गया था। इसके अलावा प्रमोशन, दोस्तों जो वरिष्ठ ग्रामीण डाक सेवक है उनका अधिकार 12-24 इंक्रीमेंट, यह मुद्दा भी इस मीटिंग के दौरान उठाया गया था, इस आयोजन के दौरान उठाया गया था। इसके अलावा जो ग्रामीण डाक सेवक की जो बहुत सी मांगे कि आर्टिकल 3 रूल है हटाया जाए और ग्रामीण डाक सेवक को परमानेंट किया जाए, ये सारे मुद्दे इस मीटिंग के दौरान उठाए गए थे। दोस्तों, आप तस्वीरों में सीधे सीधे देख सकते हैं किस प्रकार से भारी मात्रा में जो ग्रामीण डाक सेवक यहाँ गए थे, और जो यूनियन के सचिव और सेक्रेटरी से मिले, और जो ग्रामीण डाक सेवक की जो मूलभूत सुविधा है, जो आवश्यकता है, उनके बारे में उनको बताया था, अवगत कराया था। यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से भी आश्वासन दिया गया है कि ग्रामीण डाक सेवक की जो जायज मांगे उन्हें जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप GDS खबर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहे, बने रहे। धन्यवाद दोस्तों।